हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। मेरा नाम दर्शन जैन। आई होप आप सब लोगों ने एसपी का चैप्टर 5 का पार्ट 1 देखा रहेगा। हम लोग इस लेक्चर में एसपी के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आगे के टॉपिक्स। सो इन विच केस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टॉपिक कॉल्ड एज एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप का मतलब होता है हु इज एलिजिबल, मतलब कौन कंपनी का मेंबर बनने लायक है, हु कैन बी द मेंबर ऑफ अ कंपनी। ओके, सो उसके लिए क्या बोला गया है, उन्होंने क्या बोला गया है, बहुत सिंपल सी बात है कि शेयर्स बाय करना जो होता है, इट इज़ व्हाट, इट इज एज सिमिलर एज योर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पर्सन कभी भी कोई भी कंपनी का शेयर्स बाय करता है, इट इज एज सिमिलर एज इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगी आपके, कौन सी एक्ट लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होती है वो एक कानून है, वो एक लॉ है। तो वहाँ पे क्या बोला गया है, मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता है, मतलब सबसे पहली बात तो यहाँ पे यह आती है कि इज़ दैट पर्सन एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो भी कंपनी का शेयर्स लेना चाहता है, मतलब कोई भी पर्सन कंपनी के शेयर्स लेना चाहता है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लायक है। तो उसके लिए क्या बोला गया है कि आपको प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो रूल्स दिए गए आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। सो अब क्या बोला गया है यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। मतलब क्या बोला गया है, कंपनीज एक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स के तहत, मतलब उनको मद्देनजर रखते हुए कोई भी पर्सन सुई जूरीज, कोई भी पर्सन सुई जूरीज, सुई जूरीज का मतलब होता है कि जो अपना काम करने के काबिल है, मतलब वो व्यक्ति जो अपने खुद के अफेयर्स, अपने खुद के काम कर सकता है, कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। मतलब जो अपना काम कर सकता है, जो अपने अफेयर्स को संभाल सकता है, वो कंपनी का मेंबर बनने लायक होता है। बट ये तो वे कहने वाली बात, बट रियलिटी में क्या बोला गया है, क्या बोला गया है रियलिटी में कि कौन कौन से पर्सन है जो मेंबर बन सकते हैं। इंडिविजुअल के केस अलग है, ऑर्गेनाइजेशन का केस अलग है। इंडिविजुअल के केस में क्या बोला गया है, माइनर, माइनर मतलब वो व्यक्ति जो 18 साल से नीचे है, जो 18 साल का अब तक हुआ नहीं, 17 ईयर्स तक के बच्चे लोग जो होते हैं उनके बारे में बोला गया है माइनर। माइनर जो होता है वो बहुत, मतलब उसको इतनी अक्ल नहीं होती है, ये लॉ बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो जो माइनर है, माइनर क्या, माइनर के लिए क्या बोला गया है, माइनर कैन नॉट बी द मेंबर, माइनर जो होता है वो मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। अगर उसके बदले में उसके कोई गार्डियन, गार्डियन मतलब कोई उसका जो मम्मी या डैडी, जो उसका केयर टेकर है बेसिकली, जिसके साथ वो रहता है, वो उनके बिहाफ पे, मतलब गार्डियन जो है वो माइनर के बिहाफ पे शेयर्स ले सकते हैं, ओके। बट सिंपल सी बात में मैं बताऊँ तो माइनर कैन नॉट टेक द शेयर ऑफ अ कंपनी, सो देयरफॉर ही कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, सिंपल सी बात है। बट उनके बिहाफ पे उनके जो गार्डियन है, मॉम डैड अंकल आंटी जो भी है, वो लोग माइनर के बिहाफ पे शेयर्स खरीद सकते हैं। इन विच केस इंसॉल्वेंट पर्सन के बारे में बोला गया है, इंसॉल्वेंट पर्सन जो होता है उसकी जो बेनिफिट्स होती है शेयर्स की, जो शेयर्स वो जो होल्ड करता है उसकी जो बेनिफिट्स होती है वो किसके पास होती है, ऑफिशियल रिसीवर के पास। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, ऑफिशियल रिसीवर कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है। इसीलिए इंसॉल्वेंट पर्सन जो होता है वो मेंबर नहीं कहलाता, इंसॉल्वेंट पर्सन भी मेंबर नहीं बन सकता, माइनर भी मेंबर नहीं बन सकता, प्लीज़ ध्यान देना, माइनर कैन नॉट बी ए मेंबर, इंसॉल्वेंट पर्सन भी मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास जो शेयर्स होते हैं, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, वो किसके पास होते हैं, यू कैन से ऑफिशियल रिसीवर के पास। अब नेक्स्ट आता है पर्सन कौन, इनसेन या लुनैटिक, मतलब जिसको थोड़ा सा दिमागी प्रॉब्लम है, जिसको थोड़ा सा दिमागी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जो पर्सन को ऑलरेडी दिमाग से कोई प्रॉब्लम है, क्या वो अपने डिसीजन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। सो इसीलिए वो इनेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से, इसीलिए वो इनएलिजिबल है मेंबर बनने से, ही कैन नॉट ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी। जो लुनैटिक पर्सन होता है, लुनैटिक का मतलब होता है इडियट, या यू कैन से दिमाग से कमजोर, ओके। वो पर्सन जो जैसे कि कोई भी पर्सन ड्रिंक करता है, ओके, अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो वो जब अल्कोहल कंज्यूम करता है तब वो होश में नहीं रहता, तब वो कुछ भी अपने मन से करता है, लेकिन जब वो यू कैन से जब वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहा है तब वो नॉर्मल पर्सन होता है।
सो जो लुनैटिक पर्सन होता है दैट इज अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ पर्सन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ पर्सन जो रहेगा वो क्या डिसीजन राइट लेगा, नहीं लेगा. सो ही इज़ नॉट अलाउड टू बी अ मेम्बर ऑफ अ कंपनी. अब जो पर्सन बचता है वो यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉरेनर. क्या बोला गया है, फॉरेनर. फॉरेनर जो होते हैं दे कैन एंटर इन टू द कंपनी. ओके, दे कैन एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी नॉट इन द कंपनी, दे कैन एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट उनके लिए क्या बोला गया है, फॉरेनर्स जो है वो शेयर्स भी बाई कर सकते हैं. देखो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं तो दे कैन ऑल्सो बाई द शेयर ऑफ द इंडियन कंपनी, देयरफॉर दे कैन बिकम अ मेंबर. आप समझ रहे हो, वो जो फॉरेनर्स है दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ इंडियन कंपनी. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ फेमा. फेमा जो एक कानून है उसके तहत, उसको मद्देनजर रखते हुए ही, मतलब अगर फेमा जो है वो एक ऐसा एक्ट है जो फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या, फॉरेन करेंसीज के डीलिंग को कंट्रोल करता है, तो अगर उसमें कुछ लिखा है कि आप मेंबर नहीं बन सकते हो तो आप नहीं बन सकते हो. ओके, लेकिन इन जनरल क्या एक फॉरेनर मेंबर बन सकता है? यस, अ फॉरेनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी बिकॉज ही इज एलिजिबल टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो इन विच केस, यहाँ पे ये जो तीनों केस थे, कौन से, माइनर वाला, देन इंसॉल्वेंट वाला, एंड देन इनसेन या लूनेटिक वाला, ये लोग मेंबर नहीं बन सकते लेकिन फॉरेनर कैन बिकम अ मेंबर. ये हो गया इंडिविजुअल की बात. अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की बात. देखो, ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताऊंगा, जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस है, ओके, जिसका अपना आइडेंटिटी है खुद का, दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी, दे कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी. लेट्स सी, कंपनी, क्या कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है? येस, बिकॉज इट इज़ अ लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, सो इट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी. बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आता है कि कंपनी जो होती है वो अनदर कंपनी का मेंबर बन सकती है, लेकिन कोई भी कंपनी अपने ही कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती. पढ़ते हैं, ठीक है, क्या बोला गया है, बहुत सिंपल सी बात है कि कंपनी बीन अ लीगल पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ अनदर कंपनी इन इट्स ओन नेम. इट कैन बिकम मेंबर ओनली इफ ऑथराइज बाय MOA, और MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए कि हम दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे. शेयर्स खरीदने से मेंबर बनते हैं, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है एंड उसके मेंबर बन सकती है. बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है अभी, कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन शेयर्स. कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन शेयर्स. इज दैट क्लियर? सो कंपनी कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ इट सेल्फ. नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अपना यहाँ पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मतलब सोसाइटी एक अलग होती है एंड उसके मेंबर्स अलग होते हैं. सो रजिस्टर, अगर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो इट कैन बिकम, ओके, यहाँ पे भी कैन, ऊपर जो मैंने लिखा था मैं आपको कर देता हूँ, रुक जाइए, ineligible, ठीक है, stops being the member, then cannot, लेकिन it can. यहाँ पे cooperative society के लिए क्या बोला गया, it can become the member of a company. फिर limited liability partnership firm, जो आपको LLP पता है, LLP की बात की गया, limited liability, it is a juristic person, मतलब LLP जो होता है वो कानून की नज़रों में एक person है. so it can become the member of a company. It can become the member of a company. HUF क्या बोलता है, एक्ट में कोई भी प्रोहिबिट नहीं करता है, कानून में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि HUF cannot be the member of a company. ठीक है, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक टोक. द एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट द मेंबरशिप ऑफ HUF, बट शेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन द नेम ऑफ कर्ता. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान देना, शेयर्स किसके नाम पे आएंगे, सिर्फ कर्ता के नाम पे आएंगे. इन विच केस, पार्टनरशिप फर्म में क्या बोला गया है, फर्म कैन नॉट, पार्टनरशिप फर्म एक, उसका कोई अलग से, इट इज़ नॉट अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ से, कोई कानून की आंखों में वो एक पर्सन नहीं है. सो क्या बोला गया है, पार्टनरशिप फर्म जो होता है इट कैन नॉट बिकम द मेंबर एंड इट इज नॉट रजिस्टर्ड एंटिटी, बट फर्म कैन होल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला यहाँ पे ध्यान देना, फर्म कैन होल्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द इंडिविजुअल नेम ऑफ पार्टनर्स. मतलब जो पार्टनर्स हैं वो शेयर्स खरीद सकते हैं, ओके, वो शेयर्स खरीद सकते हैं अपने नाम पे. लाइक ABC, तीन पार्टनर हैं तो तीनों क्या किसी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? येस, फर्म मेंबर नहीं बन सकता लेकिन पार्टनर्स कैन बी द मेंबर.
मूविंग फॉरवर्ड रजिस्टर्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट माने संस्था, एनजीओ वगैरह, ठीक है। क्या एक ट्रस्ट मेंबर बन सकती है ये? अगर रजिस्टर्ड है तो यस, अगर रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो यस इट कैन बिकम अ मेंबर। तो कौन नहीं बन सकता है मेंबर? बहुत सिंपल सी बात, यहाँ पे आप ध्यान देना, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम द मेंबर। अब हम यहाँ पे एक बार ये टेबल देख लेंगे, क्या माइनर हिमसेल्फ, मतलब क्या माइनर खुद से एक मेंबर बन सकता है? नो। इंसॉल्वेंट पर्सन, वो भी नहीं बन सकता। इनसेन, वो भी नहीं बनेगा। फॉरेनर, येस ही कैन बी द मेंबर। कर्ता ऑफ एच यू एफ एंड पार्टनर्स, जो कर्ता है एच यू एफ का, देखो कर्ता तो इंडिविजुअली होगा ना, एच यू एफ की बात नहीं कर रहे, एच यू एफ के कर्ता की बात कर रहे हैं, तो वो बन सकता है। एंड पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, क्या वो लोग मेंबर बन सकते हैं? येस। अब ध्यान देना, कंपनी येस, सोसाइटी येस, एल एल पी भी येस, एच यू एफ नो, एच यू एफ नहीं बन सकता है गाइस। कर्ता बन सकता है, ध्यान देना, कर्ता कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी, बट एच यू एफ कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी। पार्टनरशिप फर्म भी नहीं, ट्रस्ट अगर रजिस्टर्ड है तो येस। सो इन विच केस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, क्या बोला गया है? एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप के लिए हाउ विल अ पर्सन बिकम द मेंबर, हाउ विल अ पर्सन बिकम द मेंबर। सो एक्विजिशन का मतलब होता है परचेस करना, तो मैं परचेस करना बेसिकली मतलब एक्वायरिंग, एक्वायरिंग में बाय करना। सो हाउ कैन अ पर्सन बाय मेंबरशिप, हाउ कैन ही बिकम मेंबरशिप? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या बोला गया है, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे, बाय सब्सक्राइबिंग टू MOA। अगर किसी पर्सन को मेंबर बनना है तो उसने क्या करना चाहिए? ही शुड सब्सक्राइब टू द MOA ऑफ द कंपनी, ही शुड सब्सक्राइब टू द MOA ऑफ द कंपनी। आपको पता ही है पब्लिक कंपनी में 7 सब्सक्राइबर होते हैं, प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं गाइस? प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं एंड 1% कंपनी में 1 होता है। तो जो पर्सन सब्सक्राइब करता है MOA को, तो वो लोग क्या बन जाते हैं? मेंबर्स, दे बिकम द मेंबर्स। अब सब्सक्राइब करना मतलब साइन करना, इफ यू रिमेंबर जनरली दे आर प्रमोटर्स अपना साइन करते ही है। इन विच केस दे आर कॉल्ड द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो MOA को सब्सक्राइब करता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट मेंबर्स, ठीक है। ध्यान देना, द क्वेश्चन इज हाउ टू एक्वायर मेंबरशिप, मेंबरशिप कैसे एक्वायर करेंगे? तो सबसे पहला कैसे एक्वायर करेंगे? बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करोगे या फिर साइन करोगे मेमोरेंडम में, यू विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। सेकेंड क्या बोला गया है? सेकेंड बोला गया है शेयर्स खरीद के, कैसे? फिजिकली, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जिसको भी शेयर्स खरीदने का शौक है, खरीदने की इच्छा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? कंपनी के शेयर्स बाई करेगा, अप्लाई करना पड़ेगा पहला, देन एक्सेप्टेंस पे क्या होगा? उसको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, उसको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, एंड देन ही विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड देयर बाय इट्स मेंबर। कब बनेगा? जब उसका नाम ऑन एंटरिंग हिज नेम इन टू रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो ये वाला जो पॉइंट था ये मैंने आपको बता दिया था, बहुत सिंपल से, कौन सा? ये फिजिकल तरीका है, फिजिकल जब शेयर्स खरीदते हैं ना तो ये फिजिकल तरीका है, ठीक है। मतलब पहला चीज़ क्या बोला गया है? हाउ विल यू बिकम द मेंबर? बाय सब्सक्राइबिंग टू द MOA, MOA को सब्सक्राइब करो, मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है? हाउ विल यू बिकम द मेंबर? बाय अप्लाइंग फॉर द शेयर्स, आप शेयर्स के लिए अप्लाई करो एंड आपको जब शेयर्स अलॉट हो जाएंगे एंड जब आपका नाम ROM में आएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में आएगा, तब आप मेंबर कहलाए जाओगे। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? By holding shares in DMAT form, मैंने आपको ये बताया था, dematerialized form मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिस भी पर्सन का शेयर्स, जिसने भी शेयर्स लिया है एंड उसका नाम अगर एज अ बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर मतलब क्या? वो ओनर जिसको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, किसके रिकॉर्ड्स में होंगे? डिपॉजिटरी के। प्लीज सी, एनी पर्सन हु हैज शेयर्स इन हिज नेम एज अ बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर के तौर पे किसके रिकॉर्ड्स में? रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ अ कंपनी। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था स्टार्टिंग में ही, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ परचेस। सो इन शॉर्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या था? हाउ विल यू बिकम द मेंबर, हाउ विल यू एक्वायर मेंबरशिप, क्या बोला गया है? सेकंड में बोला गया है फिजिकल शेयर्स खरीद के, एंड थर्ड में क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला गया है? हाउ विल यू बिकम द मेंबर? बाय ट्रांसफरिंग द शेयर्स। देखो, जब मैं अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर करता हूँ तो मैं ट्रांसफरर हूँ, आई एम ट्रांसफरिंग द शेयर्स, सो आई एम ट्रांसफरर। जो रिसीव कर रहा है शेयर्स वो क्या बन जाएगा? ट्रांसफरी। जब उसका नाम कंपनी के ROM में आएगा तब वो मेंबर बन जाएगा। एनी पर्सन, देखो ध्यान से देखना, हु बाइज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, हु बाइज द शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग मेंबर, मतलब पहले मेंबर मैं था, अब उसने बाई किया,
बराबर के नहीं, एग्जिस्टिंग मेंबर मैं हूँ, मतलब मैं मेरे शेयर्स बेच रहा हूँ ना, तो मैं एग्जिस्टिंग मेंबर हूँ कंपनी का। अब वो पर्सन ने मुझसे शेयर्स बाय किए हैं, बिकम्स द रजिस्टर्ड मेंबर आफ्टर कंपनी एक्सेप्ट द ट्रांसफर रिक्वेस्ट। अगर कंपनी ने ट्रांसफर का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया तो ही विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। सो ही विल एक्वायर द मेंबरशिप, ओके, बाय ट्रांसफरिंग ही विल एक्वायर द मेंबरशिप। जब हमारे बीच में जो हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर करने से भी आप मेंबरशिप एक्वायर करते हो। ट्रांसमिशन में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, ये देखो ट्रांसमिशन का मतलब मैं आपको बता चुका बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये भी ट्रांसफर ही होता है, बट ये एक ऐसा होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द इवेंट्स ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनसेनिटी। तीनों का मतलब पता है आपको, डेथ मतलब कोई चले गए, इंसॉल्वेंसी यानी कोई कंगाल हो गए, और इनसेनिटी मतलब कोई पागल हो गए। तो इन दैट केस क्या होता है, शेयर्स किसको मिलेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ओके, ऑफिशियल रिसीवर को एंड एडमिनिस्ट्रेटर को। ध्यान से, डेथ के केस में किसको मिलते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, देन इंसॉल्वेंट के केस में किसको मिलते हैं, ऑफिशियल रिसीवर को, देन इंसेनिटी के केस में किसको मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है जो उस इंसेन पर्सन की, जिसके दिमाग की हालत ख़राब है, उसके रखवाली करता है, उसे एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे। तो शेयर्स किसको मिलेंगे, उन लोगों को मिलेंगे, एंड दे विल, व्हाट विल हैपन नाउ सी, रिप्लेस द कंसर्न मेंबर। जो इंसॉल्वेंट पर्सन था वो मेंबर था, अब वो मेंबर नहीं रहेगा, किसको मिलेगा, शेयर ऑफिशियल रिसीवर को, एंड ही विल बिकम द मेंबर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ये ट्रांसमिशन हो गया। देखो गाइस, आपको ये याद रखना है, मैं आपको लास्ट में एक बार पूरा रिकैप करवा दूंगा, रुक जाइए। ये अभी क्या है, नेक्स्ट क्या है, नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी जो होती है उसके अंदर नॉमिनी का अपने को देना पड़ता है, कि इन केस अगर मेन जो मेंबर है, जो एक सोल मेंबर जो होता है, अगर उसको कुछ हो गया तो उसके बाद जो नॉमिनी है ही विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। द नेम ऑफ द नॉमिनी हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी में नॉमिनी का क्लॉज होता है, अगर जब भी बिकम्स इट्स सोल ओनर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर। देखो, अब फॉर एग्जांपल मैंने 1% कंपनी बनाई और नॉमिनी के तौर पे मेरे भाई का नाम रखा, ठीक है। अब जब अगर मुझे कुछ हो जाता है या मेरे साथ, मतलब कुछ भी होता है, अगर कल मैं छोड़ देता हूँ ये बिजनेस करना, सो इन दैट केस क्या होगा, मेरा भाई जो है ही विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, बिकॉज वो नॉमिनी के नाम से उसका नाम MOA में था। बाय एक्विसियंस का मतलब आपको क्लियरली पता ही, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि मतलब जो पर्सन अपने आप को क्या कहता है, मेंबर कहता है, तो अगर बार बार मेंबर कहता है या उसके एक्शंस ऐसे हैं जिससे हमें लगता है कि वो मेंबर है, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, मेंबर कंसिडर ही करेंगे। अगर पर्सन इज रॉन्गली एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ मेंबर, बाय मिस्टेक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाल दिया है, या फिर उसने खुद को मेंबर बताया गया है, या फिर जानबूझ के अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में रहने दिया कि चले कोई बात नहीं, ठीक है, एंड इन दैट केस ही इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग हिज मेंबरशिप। अब हम उसे रोक देंगे, अगर वो डिनाई करता है तो उसके डिनाइल को, डिनाई करना मतलब क्या, ना बोलना कि नहीं मैं तो मेंबर नहीं हूँ, अब वो डिनाई कर रहा है, मतलब अब वो अपने वर्ड से पीछे हट रहा है, तो हम उसके पीछे हटने नहीं देंगे, हम उसको पीछे हटने से रोक देंगे, ओके, एंड ही विल बी लायबल एज अ मेंबर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी बंद होगी तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे मेंबर ही मानेंगे। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ मेंबरशिप बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल, इसे हम क्या कहते हैं, मेंबरशिप बाय एस्टॉपेल। सो एक पर्सन कब मेंबर बन सकता है कंपनी का, व्हेन ही विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, जब वो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करे, या फिर जब वो फिजिकली शेयर्स बाय करे एप्लीकेशन दे, एंड एप्लीकेशन के साथ उसका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाए एंड उसको शेयर्स अलॉट हो जाए, ओके। तीसरा केस क्या बोला गया, जब उसने शेयर्स डीमैट फॉर्म में लिए हुए हैं, अगर शेयर्स उसके डीमैट फॉर्म में है तो ही विल बी द मेंबर ऑफ अ कंपनी। एंड फोर्थ क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर, जब शेयर्स ट्रांसफर करते हैं तब ट्रांसफरी बिकम्स द मेंबर ऑफ द कंपनी, जब उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाएगा। देन फिफ्थ केस था अपना ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के केस में अपना 3 केस था, उसके अंदर एकदम सिंपल सी बात है, डेथ था, देन इंसॉल्वेंट था एंड इनसेन था। तीनों के केस में क्या बोला गया, या तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन द केस ऑफ डेथ, देन इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंट कौन आएगा, ऑफिशियल रिसीवर, एंड इन द केस ऑफ इनसेनिटी मतलब पागलपन में कौन आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो उसका ध्यान रखता है, दे विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी जब हम ट्रांसमिशन को एग्जीक्यूट करेंगे। देन नॉमिनी इन द केस ऑफ 1% कंपनी में नॉमिनी बिकम्स अ मेंबर, अगर
जो मेन मेंबर था कंपनी, 1% कंपनी का जो सोल मेंबर था, अगर उसको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी बिकम्स द सोल ओनर नाउ। देन नाउ लास्ट दो पॉइंट क्या है अपना यहाँ पे, एक्विसेंस, एक ही पॉइंट बचता है वो है एक्विसेंस। एक्विसेंस का मतलब क्या है, जो अपने आपको दर्शाता है कि मैं मेंबर हूँ कंपनी का, जबकि नहीं है, ठीक है। सो अब हम उसे क्या समझेंगे, मेंबर ही है, ओके, उसको हम मेंबर ही मानेंगे। सो इस तरीके से भी मेंबरशिप प्राप्त की जाती है। सो ये था कि मेंबरशिप कैसे प्राप्त की जाती है। अब आता है कि मेंबरशिप कैसे रद्द की जाती है, टर्मिनेशन, कैंसलेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कैंसलेशन, सीजेशन का मतलब होता है स्टॉप। मेंबरशिप कैसे स्टॉप की जाती है, बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से, एकदम आसान है। यहाँ पे क्या बोला गया है, जब अपन शेयर्स ट्रांसफर करते हैं तो जो ट्रांसफरर है ही विल स्टॉप टू बी ए मेंबर, ओके। जब हम लोग शेयर्स ट्रांसफर करते हैं तब जो ट्रांसफरर है ही विल स्टॉप टू बी अ मेंबर, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी एज सुन एज ट्रांसफररी का नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। देखो रोम में जब ट्रांसफररी का नाम आ जाएगा तब ट्रांसफरर की मेंबरशिप खत्म, ओके। पहला पॉइंट ये बोलता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान देना, इन द इवेंट ऑफ डेथ या इंसॉल्वेंसी, अगर कोई मेंबर मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इन दैट केस ही विल स्टॉप टू बी अ मेंबर, एंड उसके बदले कौन हो जाएगा मेंबर फिर, इंसॉल्वेंट के केस में कौन होता है, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, एंड डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सो इन शॉर्ट जब एक पर्सन मर जाता है तब उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, एंड इंसॉल्वेंट हो जाएगा तब भी उसकी मेंबरशिप स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर्स इन द बायबैक ऑफर बाय द कंपनी, कंपनी जब अपने खुद के शेयर्स वापस से जो शेयर्स उसने मार्केट में बेचे थे अब वो उसको बाय कर रही है, कंपनी खुद के शेयर्स खरीद नहीं रही है, जो शेयर्स उसने शेयर होल्डर को दिए थे उसको वापस से लेके कैंसिल कर रही है शेयर्स को, बायबैक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बायबैक। तो इन दैट केस अब वो मेंबर जो जिसने शेयर्स लिए हुए थे अब वो कंपनी को रिटर्न कर रहे हैं शेयर्स, सो नाउ ही विल स्टॉप टू बी द मेंबर ऑफ अ कंपनी। फोर फीचर ऑफ द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, फोर फीचर का मतलब होता है कैंसलेशन, फोर फीचर का मतलब होता है कैंसलेशन। जब कंपनी किसी के शेयर्स कैंसिल करती है तब दैट पर्सन स्टॉप्स टू बी द मेंबर ऑफ अ कंपनी। सरेंडर ऑफ द शेयर, सरेंडर ऑफ द शेयर का मतलब होता है जब कोई शेयर होल्डर खुद के शेयर्स कंपनी को सरेंडर करता है कि भाई अब मुझे नहीं रहना कंपनी का शेयर होल्डर। जब कोई पर्सन अपने कोई शेयर होल्डर शेयर्स खरीदे होंगे तो ही सरेंडर करेगा ना, तो इन दैट केस क्या बोला गया, बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन अपने शेयर्स को सरेंडर करता है कंपनी को देन ही स्टॉप्स टू बी द मेंबर ऑफ अ कंपनी। एक्सरसाइजिंग लीन, लीन का मतलब होता है कब्जा। देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता शेयर्स का तो कंपनी उसके शेयर्स पे कब्जा कर देती है, लीन का हक जताती है। सो इन दैट केस वो पर्सन मेंबर कहलाता नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपनी के शेयर्स लिए एंड उसको मैंने पे नहीं किया पैसा, 100 रुपये था शेयर का और मैंने सिर्फ 80 पे किया, 20 पे नहीं किया, तो यहाँ कंपनी के पास दो ऑप्शन है, कंपनी क्या करेगी, फोरफिट करेगी या तो फिर क्या करेगी, लीन कर देगी। फोरफिट करेगी तो भी मेंबरशिप चला जाएगा मेरा, एंड अगर लीन करती है तो भी मेरी मेंबरशिप चली जाएगी, ठीक है। लीन का मतलब होता है जब्त करना या कब्जा, यू कैन से। अब द पर्सन हु होल्ड्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कुछ समय के बाद, देखो रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेएबल, ठीक है, रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेएबल, और प्रेफरेंस शेयर जो है वो शेयर का एक प्रकार है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो रीपेएबल शेयर्स होल्ड करता है मतलब उसको कुछ समय के बाद पैसा रीपे, कंपनी रीपे करेगी। अगर मैंने किसी कंपनी का रीपेएबल प्रेफरेंस शेयर्स लिया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिया है तो कंपनी कुछ समय बाद मुझे पैसा रिटर्न करेगी, ठीक है। तो जब कंपनी मुझे मेरा पैसा रीपे करती है, दैट इज रिडीम करती है, रीपे करती है, तभी वो मेंबरशिप खत्म हो जाती है, तभी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। सो इन केस अगर किसी पर्सन ने कंपनी के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए हुए हैं तो ही विल स्टॉप टू बी अ मेंबर जब कंपनी उसके पैसे रिडीम कर दे, मतलब रीपे कर दे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं यहाँ पे, पर्सन रिसाइंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबरशिप। मतलब जो पर्सन है ना वो क्या बोलता है, वो बोलता है जो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था मेंबरशिप का वो इनवैलिडेट है, वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे है ना चीट किया गया था या फ्रॉड किया गया था,
कैसे चीट किया था, कैसे फ्रॉड किया था, जो जो इंफॉर्मेशन दी गई थी कहाँ पे प्रोस्पेक्टस में वो मिस रिप्रेजेंटेशन थी। तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी का शेयर्स लिया है प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे एंड प्रोस्पेक्टस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी, तो इन दैट केस मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो है मेंबरशिप का वो इनवैलिडेट है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो जब मैं इनवैलिडेट करता हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट को ये बोल के कि प्रोस्पेक्टस में इन्फॉर्मेशन गलत दी गई थी, ठीक है, तो इन दैट केस मेरी मेंबरशिप कंपनी के साथ खत्म हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी बंद होगी तो ऑब्वियसली जो मेंबरशिप है वो भी तो खत्म होगी। जब कंपनी ही बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मेंबरशिप खत्म। सो ये थे फॉलोइंग केसेस जिसमें क्या हो रहा है कि मेंबरशिप सीज हो रही है। पहला क्या है, ट्रांसफर। ट्रांसफर के केस में देखो, ट्रांसफर के केस में किसी को मेंबरशिप मिलती भी है और किसी की जा भी रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरे शेयर्स किसी को ट्रांसफर किए हैं तो मेरी मेंबरशिप चली जाएगी, बराबर है। मेरा केस कहाँ पे आएगा, सीजेशन में आएगा। लेकिन जो पर्सन शेयर्स खरीद रहा है मुझसे, उसके लिए क्या है, वो एक्विजिशन, वो क्या कर रहा है, शेयर्स को अक्वायर कर रहा है, बराबर है। सो टर्मिनेट कब होगा मेंबरशिप, पहला ट्रांसफर, देन यू कैन से ट्रांसमिशन, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ट्रांसमिशन का ही केस है। थर्ड, सेल ऑफ शेयर्स बाय अ मेंबर टू द कंपनी इटसेल्फ, जब कोई पर्सन अपने शेयर्स को कंपनी को बेच रहा है। चौथा क्या बोलता है, जब कंपनी शेयर्स कैंसिल कर रही है, फोरफिट कर रही है। नेक्स्ट क्या बोलता है, जब कोई पर्सन अपने शेयर सरेंडर कर रहा है, बेच नहीं रहा है, कंपनी को सरेंडर कर रहा है, ठीक है। सिक्स क्या बोलता है, जब कंपनी राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करती है, कब्जा वाला राइट, ठीक है, जब्त करने वाला। और सेवेंथ बोलते हैं कि जब कोई पर्सन रिडीमेबल शेयर्स होल्ड करता है, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर होल्ड करता है, एंड जब कंपनी उन शेयर्स को रिडीम करती है, मतलब रीपे करती है, तो रीपे करते वक्त जो पर्सन है उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। जब कोई एट पॉइंट क्या बोलते हैं, जब कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट करता है यह कहके कि भाई कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो रॉन्ग थी, मुझे उल्लू बनाया गया है, तो इन दैट केस मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी बंद होना, कंपनी बंद होगी तो ऑब्वियसली मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। क्या है, राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटी ऑफ मेंबर। अब ध्यान देना, जो मेंबर होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट है कंपनी का। इंटीग्रल मतलब क्या, कंपनी का अंदरूनी पार्ट, ठीक है, और उसके कुछ सर्टन राइट्स भी होती है एंड उसके कुछ ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज भी होती है। मतलब वो कुछ बेनिफिट्स भी एंजॉय करता है, एडवांटेजेस भी एंजॉय करता है एंड कुछ उसकी लायबिलिटीज मतलब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। सो इन विच केस सबसे पहले अपन समझेंगे राइट्स ऑफ द मेंबर, क्या क्या राइट्स हैं मेंबर के। तो सबसे पहला राइट क्या है उसका, राइट ऑफ एक्सेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो मेंबर है ही हैज़ द राइट टू एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या होता है कि उसको परमिशन है कि वो कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स जो है वो चेक कर सकता है, वो देख सकता है, ठीक है। इन विच केस सबसे पहला पॉइंट अपन देखते हैं जरा ध्यान से कि जो मेंबर है उसको मेमोरेंडम का और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कॉपीज मिलता है, मऊआर ओवा का कॉपी मिलता है, फिर उसको ऑडिटर का एंड डायरेक्टर की रिपोर्ट्स मिलती है। मतलब अगर उसको कॉपी चाहिए ऑडिटर की या डायरेक्टर की रिपोर्ट की तो वो भी उसको मिल सकती है। सर ये ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है, डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होता है। ऑडिटर का रिपोर्ट मतलब क्या, कंपनी जब अपना ऑडिट करवाती है, मतलब चेक करवाती है अपने अकाउंट्स को, जब चेक करवाती है उसके बाद जो ऑडिटर होता है दैट इज सीए, जो सीए होता है वो क्या करता है, अपनी एक रिपोर्ट देता है कि इस कंपनी का जो कामकाज है वो सही है कि गलत है, ये कंपनी ने जो हिसाब किताब बताया है फाइनल अकाउंट्स में क्या वो सही है कि गलत है, क्या कंपनी ने कोई घपला तो नहीं किया। और डायरेक्टर की रिपोर्ट जो होती है उसमें डायरेक्टर अपने पूरे साल का एक्सपीरियंस बताता है कि कंपनी में क्या क्या चेंज लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, वगैरह वगैरह। फिर जो मेंबर है ही ऑल्सो गेट द कॉपी ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जो कंपनी का जो हिसाब किताब होता है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी भी एक कॉपी मेंबर को मिलती है। मेंबर के पास और एक राइट क्या है, यहाँ पे ही कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर, चार्जेस, इन्वेस्टमेंट, मिनट्स बुक, प्रॉक्सी का जो भी डॉक्यूमेंट होता है या फिर रिटर्न्स। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जो कोई भी मेंबर होता है ना, मेंबर उसको क्या बोला गया कि आपके पास ये भी अधिकार है कि आप रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर, एक कंपनी बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करती है, जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर मतलब कौन कौन मेंबर है कंपनी का वो उसमें लिखा रहेगा, फिर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर मतलब किसने किसने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे। सर डिबेंचर क्या होता है, एक टाइप का सिक्योरिटी है, जैसे शेयर्स है वैसे डिबेंचर होता है। सर उसका मतलब समझाइए, उसका मतलब आपको 12th में डिटेल में समझेगा, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इन विच केस नेक्स्ट क्या बोला है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस।
रजिस्टर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है, जब भी कंपनी कोई लोन लेती है तो लोन जब कंपनी लेती है तो कंपनी को बैंक को कुछ तो सिक्योरिटी देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास एक मशीन है, ओके कंपनी के पास एक मशीन है जो 15 लाख की है और कंपनी बैंक के पास जाती है लोन लेने के लिए कि भाई मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, तो मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। कंपनी किसके पास गई, बैंक के पास। तो बैंक बोलेगा ओके मैं लोन देने को रेडी हूँ लेकिन मुझे कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए। अब कंपनी क्या बोलता है, मेरे पास एक 15 लाख का असेट है, वो आपको मैं एज अ सिक्योरिटी देने को रेडी हूँ। सर तो क्या मतलब बैंक असेट लेके चली जाएगी? नहीं, बैंक के पास उस असेट के ओरिजिनल पेपर्स रहेंगे, सो दैट क्या कभी भी कंपनी उस असेट को बेच नहीं पाएगी बिना बैंक के परमिशन के। ओके सो ये जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। चार्ज मतलब क्या, बैंक का चार्ज है उस असेट पे, बैंक का अधिकार है उस असेट पे जब तक कंपनी लोन ना पे कर दे। मूविंग फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया है उसकी भी बुक होती है, मिनिट्स बुक क्या होती है, जब भी कंपनी कोई मीटिंग करती है, मीटिंग लेती है, तो उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ है उसका एक लास्ट में डॉक्यूमेंट बनता है, तो उसे हम मिनिट्स कहते हैं। ये हम इसी साल पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, इन तीनों में कहीं ना कहीं तो आने वाला है। फिर हम देखेंगे प्रॉक्सीज। प्रॉक्सी मतलब जब कोई मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता है तो वो अपने बिहाफ पे किसी और को भेजता है मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उसे प्रॉक्सी कहते हैं। जैसे स्कूल में प्रॉक्सी टीचर होता था ना, कि अगर कोई मैथ्स का क्लास है एंड मैथ्स के टीचर आज नहीं आए तो उसके बदले कोई और लेता था। सो इन सब के बारे में मेंबर को अधिकार है जानने का। ओके सो ये था एक्सेसिंग बुक्स ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजंस। अब जो मेंबर होता है वही तो कंपनी में डिसीजन लेता है। सो क्या बोला गया है कि मेंबर के पास एक्सक्लूसिव पावर है, किस बारे में, कि वो मीटिंग मेंबर्स की जो मीटिंग होती है, मैंने आपको बताया था जनरल मीटिंग, मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वो कौन सी होती है, जनरल मीटिंग। अगर कोई याद रहेगा तो कंपनी का नाम चेंज करना है या फिर कंपनी में कुछ यू कैन से जो क्लॉज हमने पढ़े थे नेम क्लॉज और कंपनी का एड्रेस चेंज करना है। सो आपने देखा था कि कहीं कहीं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, कहीं स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। सो ये जो रेजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, डिसीजन, बराबर है कि नहीं, डिसीजन। तो मेंबर्स के पास एक्सक्लूसिव पावर होते हैं टू मेक फंडामेंटल मतलब बड़े बड़े, जैसे कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल चेंज करना, ऑब्जेक्ट चेंज करना, याद है कि सब क्लॉज में देखा था, या फिर कंपनी के आर्टिकल्स को अमेंड करना मतलब चेंज करना, या फिर कोई दूसरी कंपनी को एक्वायर करना, दूसरी नई, मतलब अगर मेरी कोई कंपनी है और मैं किसी और कंपनी को एक्वायर करता हूँ, या तो फिर मैं कोई और कंपनी के साथ जुड़ जाता हूँ, जैसे अभी आइडिया वोडाफोन, ठीक है, जैसे, या फिर कोई और कंपनी का टेक बिजनेस ले लेना, टेक ओवर करना, ठीक है, ये सब डिसीजन कौन लेता है, मेंबर लेता है, या फिर सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट करना, या फिर कंपनी को वाइंड अप करना, कंपनी को बंद करना, ये सब जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ये कौन लेता है, मेंबर लेता है, ठीक है। तो मेंबर के पास ये एक और पावर है, फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन। फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन मतलब क्या, बड़े बड़े कंपनी के डिसीजंस, ठीक है। फिर देन क्या बोला गया है कि मेंबर के पास एक और राइट है, क्या, पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। कहाँ पे, जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, मतलब जब भी कंपनी को कोई डिसीजन लेना होता है, भले ये तो बड़े बड़े डिसीजन की बात कर ली, अब मैं छोटे मोटे डिसीजन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कभी भी कंपनी जनरल मीटिंग रखती है, मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग रखती है, तब वो नोटिस भेजती है, तो मेंबर को राइट है कि उसको नोटिस मिले। देन वो एजेंडा भेजती है, एजेंडा मतलब कौन से विषय पे हम मीटिंग में बात करने वाले हैं, तो उन सब के बारे में भी उसको अधिकार है कि ही शुड गेट द एजेंडा। फिर उसका अधिकार है मीटिंग अटेंड करना, उसका अधिकार है कि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट करे, अगर वो ना जा पाए तो प्रॉक्सी को अपॉइंट करेगा। देन उसका अधिकार है कि वो मीटिंग में स्पीक बोले, वोट करे। देन वो उसका अधिकार ये भी है कि वो डिमांड करे कि पोल हो, ठीक है, एंड उसका अधिकार ये है कि भाई AGM को कॉल करे। AGM जो होता है वो हम चैप्टर नंबर 9 में या 8 में देखने वाले हैं इसी साल, सो डोंट वरी प्लीज़। आप अभी ये मत पूछना कि सर EGM क्या होता है, इट इज़ अ बिग टॉपिक, आई कैन नॉट डिस्कस नाउ। सो आप एक काम करना, चैप्टर नंबर 8, 7, 8 के बाद वापस से आके आप एक बार आपका चैप्टर नंबर 7, 8 हो जाएगा ना, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ जाएगी ऑटोमेटिकली। सो ये सारे अधिकार थे। फिर क्या है अधिकार, के राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव डायरेक्टर। जो ये होता है अपना मेंबर होता है, ही हैज़ अ राइट के वो डायरेक्टर को अपॉइंट करें एंड रिमूव करें। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, राइट किसका, मेंबर का, किसका राइट है उसका, कि वो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करें
ठीक है, अप्रूव करे। अप्रूव करे मतलब क्या होता है, जब भी कंपनी है ना जनरल मीटिंग करती है, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग, तो उसमें शेयर होल्डर के पास से वो अप्रूवल लेती है अकाउंट्स के बारे में। सो वो अप्रूवल कौन देगा, शेयर होल्डर देगा, तो उसका राइट है अप्रूवल देने का। फिर वो ऑडिटर को अपॉइंट करती है, देन उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करती है। ऑडिटर माने सीए, सीए को कौन अपॉइंट करता है, मेंबर अपॉइंट करता है, एंड उसका रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करती है, मेंबर लोग डिसाइड करते हैं। एंड उनके पास ये भी अधिकार है कि वो ऑडिटर को निकालें, ऑडिटर को अपॉइंट करने का भी अधिकार है, निकालने का भी, डायरेक्टर को भी अपॉइंट करने का अधिकार है और निकालने का भी। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट। देखो अगर जो पर्सन है कंपनी के शेयर्स खरीदता है, मतलब कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ रिटर्न का एक्सपेक्ट तो करेगा कि भाई मैंने अगर कंपनी में पैसे डाले हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए। सो ये जो मेंबर होता है उसका एक होप होता है कि रिटर्न्स मिले। सो मेंबर हैज़ द राइट टू अप्रूव डिविडेंड एंड गेट द सेम, मतलब डिविडेंड अप्रूव भी कौन करेगा, मेंबर करेगा, एंड उसको मिलना भी चाहिए कितने दिन में, 30 डेज के अंदर। AGM में जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो जिस डे पे डिक्लेयर होगा उसके 30 दिन के बाद मिल जाना चाहिए, 30 दिन के भीतर AGM होगा, मतलब जनरल मीटिंग होगा, उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि भाई हमको कितना डिविडेंड मिलने वाला है, उसके बाद लेकिन 30 दिन के अंदर, एक महीने के भीतर भीतर उनको डिविडेंड मिल जाना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, शेयर होल्डिंग का राइट्स। शेयर होल्डिंग का राइट्स मतलब क्या, उनको शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ट्रांसफर का अधिकार मिलना चाहिए, राइट इशू। राइट इशू मैंने आपको समझाया था कि कंपनी में कोई पर्सन मेंबर है, ओके, अब जब कंपनी वापस से शेयर इशू करती है पब्लिक को, तो सबसे पहले वो किसको पूछेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो उसको एक राइट मिलता है कि भाई जब भी कंपनी मार्केट में शेयर्स लेके आएगी तो पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछेगी, जो पहले से शेयर होल्डर थे ना उनको पूछेगी कि आपको शेयर्स लेने हैं, और उनको वो कम दाम पे देगी। देन जो बोनस शेयर्स का राइट, बोनस शेयर मतलब फ्री में शेयर्स मिलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, राइट टू रिसीव सरप्लस असेट। जब कंपनी फ्यूचर में बंद होगी, बंद होने के बाद जो जो भी उधारी थी वो सब चुकते हो जाने के बाद जो भी पैसा बचता है वो सब किसको मिलेगा, मेंबर को मिलेगा। देखो जब कंपनी बंद होगी तो मेंबर को क्या मिलता है, गेट शेयर ऑफ सरप्लस असेट। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा असेट होते हैं उसमें से हिस्सा किसको मिलेगा, मेंबर को मिलेगा। कब मिलेगा, आफ्टर द पेमेंट टू ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, बाकी जिसका भी पैसा बाकी था सबको देने के बाद, क्रेडिटर बोलो, गवर्नमेंट बोलो, सब पे होने के बाद जो अगर पैसा बचता है उसमें किसको अधिकार मिलेगा, मेंबर को मिलेगा। राइट टू कॉल, राइट टू क्लास एक्शन सूट, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान देना। क्लास एक्शन सूट क्या होता है, अगर कंपनी कभी भी कोई भी चीटिंग करती है, फ्रॉड करती है, कुछ भी मतलब रॉन्ग चीज़ करती है, कहाँ पे, ऑडिट में। देखो ध्यान देना, जो ये जो राइट है इसमें क्या बोला गया है, मेंबर्स क्या करेगा, कंपनी और डायरेक्टर के खिलाफ केस करेगा, सूट करेगा मतलब केस करेगा, ठीक है। ये कब होता है, फ्रॉड हुआ है या फिर कोई गलत काम हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, ऑडिट रिपोर्ट में अगर कुछ भी गलत दिख रहा है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कुछ भी गलत हुआ है, तो मिनिमम 100 मेंबर या फिर 10% ऑफ वोटिंग राइट्स, जिसके पास भी 10% ऑफ वोटिंग राइट है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में 5000 शेयर्स है, कितने हैं, 5000 शेयर्स है, तो अगर मैं उसका 10% करता हूँ तो कितना आएगा गाइस, 500। तो जिसने भी क्या किया है, जिसके पास भी 500 शेयर्स है कंपनी के, कोई भी पर्सन जिसके पास 500 शेयर्स है, या फिर 100 मेंबर्स, एक जगह पे बोला गया है 100 लोग लगेंगे, अगर कोई अकेला जाना चाहता है कंप्लेंट करने के लिए, तो उसके पास कितना होना चाहिए, 10% उसके पास कंपनी के टोटल शेयर्स जितने भी है ना, उसका 10% शेयर्स उसने होल्ड करना चाहिए, ओके, एंड ही विल अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, वो कोर्ट में जाके अप्लाई करेगा, एंड वो मेंबर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी डिमांड कर सकता है, एंड वो लोग ये भी फाइल कर सकते हैं कि कंपनी को बंद कर दो। ये क्लास एक्शन सूट मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कभी भी मेंबर के साथ कुछ गलत हुआ है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी गलत किया है, अनलॉफुल या फिर रॉन्ग बोलो या फिर फ्रॉड बोलो, तो जो मेंबर्स हैं, देखो दो ऑप्शन दिया गया है, या तो फिर आप अकेले जाओ, लेकिन अकेले कब जा सकते हो, जब आपके पास 10% वोटिंग राइट्स हैं। देखो कंपनी में एक शेयर एक वोट, ओके, तो अगर जितने टोटल शेयर्स रहेंगे उसका 10% अगर आपके पास है शेयर्स, जितना अगर कंपनी में जितने भी शेयर्स है उसका 10% शेयर्स आपके पास है, तो आप अकेले जा सकते हो,
या फिर अगर आपके पास 10% नहीं है तो आप 100 लोगों को इकट्ठा करो, मिनिमम 100 लोगों को इकट्ठा करो एंड देन यू गो टू द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट, कोर्ट के पास जाओ एंड आप कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट्स ऑफ द मेंबर। अभी हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ द मेंबर, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी। देखो अगर मेंबर को कुछ राइट मिलती है तो कुछ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन भी मिलेंगे, लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन भी रहेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या, वो लोगों को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जितने भी क्लॉजेज है, कोविनेंट का मतलब होता है क्लॉजेज, वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। दे आर बाउंड बाय ऑल द क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्या बोला गया है, सिंस बहुत सारी कंपनियां, क्या बोला गया है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज का लायबिलिटी कैसा होता है, लिमिटेड। तो कितना लिमिटेड, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, तो मेंबर इज लायबल टू पे द फुल वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर 10 रुपये का शेयर था तो पूरा का पूरा पैसा देना बनता है। अगर जितना पैसा नहीं दिया है, जितना पैसा नहीं दिया है उतनी उस मेंबर की लायबिलिटी बन जाएगी। और थर्ड, अगर अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, तो मेंबर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी डेट्स है, ओके, ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी के लिए वो मेंबर पर्सनली लायबल माना जाएगा। इन सिंपल बात वापस से बोलता हूँ, अगर कोई भी मेंबर है तो मेंबर की लायबिलिटी ऑब्लिगेशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जितने भी क्लॉज लिखे हैं वो सबके पालन करने पड़ेंगे मेंबर को। दूसरा क्या बोला गया है कि जो लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो कंपनी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली, ठीक है, जनरली वही होती है मैक्सिमम सारी कंपनियां, तो इन दैट केस क्या बोला गया है, जितना भी पैसा मेंबर ने पे नहीं किया टूवर्ड शेयर्स, जितना भी पैसा उसने पे नहीं किया टूवर्ड शेयर्स, वो उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। और तीसरा क्या बोला गया, अगर कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, इन दैट केस जो जो मेंबर रहेगा उसकी लायबिलिटी क्या बन जाएगी, उसकी लायबिलिटी बन जाएगी पूरा का पूरा पर्सनली लायबल रहेगा वो। अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी का मेंबर है तो उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, उसकी लायबिलिटी पर्सनली रहेगी, ही विल बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स, जितने भी कंपनी का डेट्स, कंपनी का जितना भी उधार है, डेट्स माने उधार है, उतनी पूरी लायबिलिटी किसकी बन जाएगी, मेंबर की बन जाएगी। ये किसके केस में बोल रहा हूँ, मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा रहेगा, लेक्चर देखने में मज़ा आया रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके डाउट क्या है, आई विल फॉर श्योर ट्राई कि मैं अपने डाउट्स को कवर करूं। सेकंड चीज़, आपको अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए, और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और मोटिवेशन मिलता है, हम और फटाफट लेक्चर्स अपलोड करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनका भी बेनिफिट हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो एंड इफ यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।